हरे कृष्णा। आज का रीडिंग है कर्क राशि लव मैसेजेस नवंबर 2019। तो मैंने एनिमल डेक भी यूज़ किया है, उसे हम बाद में देखेंगे। अब देखते हैं पहला कार्ड क्या है। गुड फैमिली लाइफ, तो आपकी फैमिली जो लाइफ है वो अच्छी रहेगी, सेटिस्फैक्ट्री होगी और इससे आपको काफ़ी सारा बेनिफिट मिलेगा। टेंशन जो आपका वो कम होगा और आपको खुद को बेहतर महसूस होगा। जो भी नेगेटिविटी है वो आपके लाइफ से मोस्टली चली जाएगी। तो इससे आप अपनी फैमिली लाइफ पर फोकस करना चाहोगे और फैमिली लाइफ को कैसे और अच्छे से अच्छा बनाएं, इसके ऊपर आप हार्डवर्क करोगे और इसका पूरा बेनिफिट आपके साथ साथ आपसे प्यार करने वालों को, आपकी फैमिली को मिल सकता है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। सेकेंड कार्ड है आपके लिए रिमेनिंग स्ट्रांग। तो आपको पूरे मंथ में स्ट्रांग रहना है और जो भी नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, उन्हें अपने जीवन से दूर रखना है और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपको क्रिएट करना होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड आप मेंटेन करोगे जिससे आपको काफ़ी सारी खुशी मिल सकती है और नेगेटिविटी जो है वो आपके लाइफ से दूर रह सकती है। इनिशिएटिव, तो कुछ नया करने के ऊपर आप हार्डवर्क करोगे और किसी नए चीज़ के बारे में आप ढूंढोगे, जानोगे या फिर कोई नया तरीका आप यूज़ करना चाहोगे जिससे कि आपके काम करने के तरीके में थोड़ा सा सुधार हो सके, थोड़ा सा बदलाव हो सके। साथ ही साथ आपके नेचर में भी आप थोड़े से चेंजेस करने की ज़रूरत आपको महसूस होगी। तो कुछ चेंजेस आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं, जैसे कि अगर एंगर आता है तो एंगर कैसे कम करें, इसके ऊपर आप थोड़ा सा सोचेंगे और वर्क करेंगे। टॉलरेंस, तो सहनशीलता जो है आपकी वो बढ़ाने के लिए आप हार्डवर्क करोगे। तो लव लाइफ में सहनशीलता को बढ़ाओगे और इससे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिल सकता है। बस आपको हार्डवर्क करना है और समझ के लेना है कि टॉलरेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर आपको वो लक्ष्य केंद्रित करना है। इस कार्ड है आपके लिए अथॉरिटी। तो आपको अथॉरिटी फिगर मिल सकती है या आपको किसी अथॉरिटी फिगर के साथ मिलकर काम करना होगा, तो एक अच्छी बात है। शायद फैमिली के कुछ बड़े बुजुर्ग आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करना आपको पड़ सकता है, तो ये भी आपके लिए एक अच्छी चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट बात है आपके लिए रियलिस्टिक। तो आप रियलिस्टिक रहोगे, प्रैक्टिकली आप जीवन जियोगे, जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर रहोगे और कैसे रियलिस्टिकली आपकी लाइफ को आप इम्प्रूव कर सकते हैं इसके ऊपर आप सोचोगे, बहुत सारा वर्क करोगे और लाइफ को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए एनर्जेटिक। तो आप एनर्जेटिक रहोगे और आपकी काम करने के तरीके में बहुत सारा सुधार हो सकता है और दूसरों के साथ आपका जो रवैया है वो भी स्ट्रांग रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, जिससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको मिल सकता है। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए चेंजेस मेड फॉर बेटर। तो जो कुछ भी चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं, इट इज़ फॉर योर सेल्फ। तो आपके अच्छे या आपकी अच्छाई के लिए वो चेंजेस हो रहे हैं, तो इसके कारण काफ़ी सारे बदलाव आपके लाइफ में हो सकते हैं। फिर चाहे आप उनके लिए रेडी हो या ना हो, लेकिन थोड़े थोड़े बदलावों से आपको गुजरना पड़ेगा जिससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको मिल सकता है। और देखते हैं एनिमल डेक, तीन कार्ड्स है। पहला कार्ड है स्नेक। तो जैसे क्वालिटीज़ हैं, एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल, सेंसिटिव, स्पिरिचुअल गाइडेंस, तो आप में ये क्वालिटीज़ लानी होगी इस महीने में। तो आप एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल रहोगे, नेगेटिविटी को दूर रहोगे, किसी का अगर आपको रिप्लाई आ रहा है तो उससे आप गुस्सा नहीं करोगे बल्कि उसे शांति से समझ लोगे, सेंसिटिव रहोगे और स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिलेगा। तो स्पिरिचुअल गाइडेंस प्राप्त करने के लिए आप मंदिर मस्जिद में जा सकते हैं और बहुत अच्छा परिणाम आपको मिल सकता है। ड्रैगन फ्लाई, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, इमोशनल मैच्योरिटी। तो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है और ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में होने वाला है। तो कुछ बदलाव, फिर चाहे आप उसके लिए रेडी हो या ना हो, वो आपके लाइफ में हो सकते हैं जिससे कि आपको बहुत सारा पॉजिटिव एटीट्यूड मिल सकता है। नेक्स्ट है आपके लिए डक। तो आउटगोइंग, सोशल, फील मोस्ट एट ईजी व्हेन दे आर इन अ लार्ज ग्रुप, अफेक्शनेट। तो आप लोगों के साथ आपका मेलजोल बढ़ेगा जिससे बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच आपको लाइफ में मिल सकता है और आप पॉजिटिव लाइफ जी सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल। आसान, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए आसान रहेंगी और आसानी से आपके लाइफ में आ सकती हैं और जा भी सकती हैं। तो आपको कोई हार्डवर्क ज़्यादा इतना करने की ज़रूरत नहीं, आप स्मार्ट वर्क से ही स्टार्ट करोगे और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान रहेंगी जिसके कारण आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए तोहफा। तो या तो गिफ्ट खरीदने का टाइम है, आप किसी को गिफ्ट खरीद के दे रहे हैं या फिर आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, और ये गिफ्ट्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके लाइफ में अचानक सडन चेंजेस हो सकते हैं या फिर आप किसी को सरप्राइजेस दे सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है भाई बहन। तो आपके ब्रदर एंड सिस्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करेंगे, तो इनसे काफ़ी कुछ सीखने को है आपसे। तो इनका आपके ऊपर प्रभाव जो है वो और बढ़ेगा
और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे पड़ सकता है। सो भाई बहन इनसे बात करने के लिए रेडी हो जाइए। अब नेक्स्ट बात है आपके लिए बेपना। तो बेपना है प्यार करोगे, मोहब्बत करोगे, जिसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ पर पड़ेगा और जो भी निगेटिविटी है वो आपके लाइफ से चली जाएगी। बस आपको ध्यान केंद्रित करना है और जीवन में आगे बढ़ना है। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए निराशा। तो निगेटिविटी जो है वो थोड़े थोड़े टाइम से एंटर कर सकती है, बस आपको ध्यान रखना है कि आप किसी से राय लें, जैसे कि आपकी भाई बहन है तो उनसे राय लें और अपने प्यार के ऊपर भरोसा रखें, तो जो भी निगेटिविटी है वो आपके लाइफ से दूर चली जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल, ट्रांसफॉर्मेशन। तो सेकेंड या थर्ड बार ये वर्ड हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो काफ़ी सारे बदलाव आपके लाइफ में होने जा रहे हैं जिससे आप काफ़ी कुछ महसूस करोगे। शायद आप इस बदलाव के लिए रेडी नहीं हैं, लेकिन आपकी लव लाइफ में या फिर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, जिस कारण काफ़ी सारे बदलावों से आपको गुजरना पड़ सकता है। ये बदलाव हो रहे हैं तो आपके लाइफ में भी कुछ चेंजेस आएंगे, तो आपको उनके लिए रेडी रहना होगा और नेगेटिविटी को जितना दूर रख सके उतना दूर रहना होगा। शायद तो पहले तो आप चुनाव करते वक्त थोड़े से शाय रहेंगे, या फिर बदलाव करते वक्त आपके मन में आ सकता है कि मैं ये बदलाव क्यों करूं, क्या सच में इनकी ज़रूरत है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके मन में आ सकते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव चेंजेस है वो आपके लाइफ में होने बहुत ज़रूरी हैं, इसीलिए वो आ रहे हैं। तो अगर आप किस्मत पर भरोसा रख रहे हैं तो आपकी किस्मत थोड़ी सी बदलने वाली है, जिससे कि आपके वर्क भी बदल सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए डिस्कशन हाउस। तो आप काफ़ी सारा डिस्कशन कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, लव लाइफ के साथ, आपके लवर के साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं और चुन सकते हैं कि सच में आपके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है, तो उसके ऊपर आप लक्ष्य केंद्रित करोगे। साथ ही साथ डिस्कशन करके आपको बहुत सारी राय मिल सकती हैं, तो इस राय के ऊपर भी आपको हार्डवर्क करना होगा और उसमें से आपके लिए अच्छी एडवाइस कौन सी है ये ढूंढ निकालना होगा। आप अपने फेवरेट ऑथर की बुक्स पढ़ सकते हैं, कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट मिल सकता है और आप अपनी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव सकारात्मक बदल कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए मूड ऑन। तो आपको आगे बढ़ना है, फिर चाहे ये बदलाव आपके हित में हो रहे हैं और अगर आप इसके लिए रेडी हैं नहीं है, फिर भी आपको आगे बढ़ना होगा, जिससे कि आपकी जो मानसिकता है वो और स्ट्रांग बन सकती है। जैसे हमने कार्ड देखा था कि नीड टू बी स्ट्रांग, तो आपको स्ट्रांग बनना है और आगे बढ़ना है, किसी भी चीज़ से आपको मुंह की नहीं खानी है और आपको आगे बढ़ते जाना है। और फाइनल कार्ड है आपके लिए इमोशनल फेज। तो थोड़ी आपके लिए इमोशनल फेज हो सकती है कि जिसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, तो उससे आपको काफ़ी सारा बदलाव अपने दिल में महसूस होगा और शायद इसके कारण आपके लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में चेंजेस हो सकते हैं। तो आपको बस याद रखना है और इमोशनल फेज से गुजरना है। तो ये था रीडिंग आपके लिए। आई होप दैट रेजोनेट्स विद यू। थैंक यू।